पांडाल सज चुके हैं, तैयारियां जोरों पर है, निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं। भगवान रामलला अपने मंदिर में एक बार फिर विराजित होने जा रहे हैं। 22 जनवरी को पूरा देश राममय होने वाला है, लेकिन उसके ठीक पहले भारतीय संस्कृति की एक अनूठी मिसाल देखने को मिली। कहते हैं कि जब बेटी के ससुराल में कुछ अच्छा होता है तो उसके मायके से सौगात भेजी जाती है। कुछ ऐसा ही काम नेपाल वासी भी कर रहे हैं। रामलला की ससुराल जनकपुर से विशेष उपहार अयोध्या आए हैं। दरअसल नेपाल में परंपरा है कि बेटी का घर गृहस्थी बसाने के लिए मायके से नेक भेजा जाता है, जिसे भार कहते हैं। उसी परंपरा के तहत ये भार लेकर आए हैं दामाद जी श्री राम। लंबे समय तक टेंट में रहे हैं, अब उन्हें नया महल मिल रहा है। जनकपुर वासी भाव विभोर हैं। दामाद और बेटी के नए महल के उद्घाटन की खुशी में उपहार लाए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन सर्दी में है, ऐसे में जनकपुर वासियों ने दामाद जी के लिए उपहार के तौर पर कोट और ब्लेजर भी भेजा है। पीली धोती और कुर्ता के साथ गमछा भी है। जनकपुर मंदिर के उत्तराधिकारी महंत रोशन दास ने बताया कि लाल पीले कपड़ों से सजी डलियों में कई तरह के आभूषण, 10-10 किलो मेवा, 20-20 किलो मिठाइयां, मालपुआ और अन्य पकवान लाए गए हैं। मौसमी फलों से भरी 100 से ज्यादा डालियां हैं। बेटी सीता के लिए पीली धोती, लाल चुनरी, श्रृंगार का सामान और सुहाग की सामग्री भी आई है। इसके अलावा सोने चांदी के बर्तन, धनुष, तीर, श्रृंगार का सामान, किचन का सामान, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन आदि खाद्य सामग्रियों से चावल, चूड़ा, खाजा, लड्डू, तिल के लड्डू, जानकी जी के चांदी के पदचिन्ह समेत 5000 उपहार इसमें शामिल हैं। माता जानकी की जन्मस्थली जनकपुर से दामाद श्री राम के लिए उपहार लेकर आए जनकपुर वासियों ने शनिवार को सबसे पहले रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद जनकपुर के मेयर मोहन शाह और जानकी मंदिर जनकपुर के महंत राम तपेश्वर दास कुछ उपहार लेकर अयोध्या के महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी के आश्रम पहुंचे। वहां अयोध्या की परंपरा के अनुरूप पुष्प वर्षा कर जनकपुर वासियों का भव्य अभिनंदन किया गया। सदियों की परंपरा नए सिरे से मजबूत हो रही है। त्रेता युग के बाद शायद ये पहला मौका है जब नेपाल से इतनी बड़ी मात्रा में रामलला के लिए उपहार आए हैं। ऐसे में माता जानकी के मायके से आए इन उपहारों और जनकपुरी के लोगों का भगवान राम के प्रति आस्था पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।